शीला के रसोई में आज चिकन बन रहा है। नमस्ते, शीला के रसोई में आपका स्वागत है। आज चलिए कुकर वाली चिकन बनाते हैं। इसके लिए कुकर जो है गैस पर चढ़ा दिए हैं, हाई फ्लेम किए हुए हैं गैस को, और तेल डाल दिए, सरसों का तेल में बना रहे हैं। उसमें एक चम्मच जीरा डाल दिए, एक दालचीनी डाले, दो तेज़पत्ता, चार इलायची डाले, इलायची नहीं लौंग डाल, चार लाल मिर्चा डाले। इसको अच्छी तरह से चटचटा गया जीरा। अब इसमें क्या करेंगे, प्याज डाले, दो प्याज डाले हैं, 150 ग्राम से 200 ग्राम प्याज, 200 ग्राम प्याज डाले हैं, 750 ग्राम चिकन है। चिकन को जब बाज़ार से लाते हैं तो हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। उसमें जब साफ़ करते हैं तो उसमें आधा नींबू निचोड़ देते हैं, उससे क्या होता है चिकन में चिकन का बदबू नहीं रहता है और तब टेस्ट भी अच्छा लगता है खाने में। प्याज जो है पूरा नहीं भुने, हल्का ही प्याज भुनाया है तो हम चिकन डाल दिए हैं। और जो मेरे स्टाइल का चिकन बन रहा है, कितना बार आपको चिकन दिखाए हैं कढ़ाई में, सोचे चलिए आज कुकर में बनाते हैं और पूरा टेस्टी रहेगा बिना चिकन मसाला का। आज देसी चिकन बनाकर खिला रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। इस तरह से चिकन को चला देना है, एक चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देते हैं, फिर अच्छी तरह से चलाते रहे। चिकन से भी पानी जो है वो हल्का उसमें से छूटता है। चलिए मसाला हम तैयार करते हैं। मसाला के लिए दो टमाटर हैं, वो दो टमाटर डाल देते हैं। टमाटर वाली चिकन बना रहे हैं। तीन हरा मिर्चा है, उसको डाल देते हैं। चार टुकड़ा अदरक का है और 10 से 15 लहसुन कली। सब मिक्सी के जार में डाल करके इसको हल्का दो चम्मच पानी डाल करके पीस लेते हैं। मसाला तैयार हो गया। अब इधर चिकन जो है वो मसाला चिकन में ऐड कर देते हैं। एक चम्मच धनिया का पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्चा का पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कभी ऐसा भी जल्दी में बनता है, बहुत आसान रेसिपी आपको दिखाते हैं, आसान तरीका से जो बनता है सो दिखाते हैं। नमक स्वाद अनुसार, इसमें कोई मसाला आप देख रहे हैं, कोई ज़्यादा मसाला हम नहीं डाले हैं। कम तेल कम मसाला में आपको इस तरह से कुकर में चिकन बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगा, कोई चिकन मसाला नहीं। जब हमारे गांव में एक चम्मच घी डाल देते हैं, घर का घी है, जब हमारे गांव में जब हमारी माँ लोग बनाती थी तो उस समय चिकन मसाला नहीं रहती थी, उसके बाद भी कितना टेस्टफुल चिकन बनता था गांव में। एक चम्मच गरम मसाला डाल दिया, ये 5 से 7 मिनट में चिकन तैयार हो जाता है इस तरह से। अब पानी जितना ग्रेवी बनाना है उसी हिसाब से, हम तो जीरा राइस के साथ खाएंगे, आप रोटी के साथ खाइएगा कि पुलाव के साथ खाइएगा कमेंट करके बताइएगा। 2 सीटी लगा देंगे, चिकन मेरा तैयार। ठंडा हो गया कुकर और चिकन तैयार हो गया। ढेर सारा धनिया के पत्ता इसमें मिला दीजिए, चिकन तैयार है। अब चलते हैं जीरा राइस बनाने के लिए। हल्का सा चला देते हैं, देखिए एकदम टेस्टी फुल। हल्का एक चम्मच घी डाल देने के बाद स्वाद ही अलग हो जाता है, बहुत टेस्टी। अब चलें जीरा राइस बनाने के लिए। ये भी एकदम 2 से 4 मिनट में तैयार हो जाता है। छोटा सा कुकर है मेरा, इसी में बना रहे हैं। 2 चम्मच रिफाइन डाल दिया, 1 चम्मच घी डाल दिया,
एक चम्मच जीरा डाल देते हैं, बस एक या डेढ़ चम्मच है। जीरा चटचटा रहा है। चावल जो है उसको इंडिया गेट चावल है, उसको साफ करके रखे हुए थे, और इसको इसमें डाल देना है। देखिए कितना आसान तरीका से बताएं, आप जीरा राइस और चिकन बिना मसाला का भी चिकन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं चिकन मसाला। और इस तरह से आप गरम मसाला डाल करके चिकन भी बना सकते हैं। और दो चम्मच रिफाइंड, एक चम्मच घी, एक चम्मच जीरा, आपका जीरा राइस तैयार। नमक हल्का सा दे दीजिए स्वाद अनुसार। और चावल का है, एक गिलास चावल लिए हैं तो बस एक गिलास पानी डाल, आपका पुलाव तैयार। इस तरह का पुलाव बनेगा तो चावल में चावल नहीं सकता है। और गैस कुकर को बंद कर देते हैं और दो सीटी लगा देना है। आपका जीरा राइस भी तैयार हो गया। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, भूलिएगा नहीं, और कमेंट जरूर करिएगा। कुकर ठंडा हो गया, अब इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता कटिंग वाली मिला देते हैं। देखिए कितना अच्छा चावल लगता है ना, पूरा फ्रेश। इसलिए पानी का क्वांटिटी जब भी पुलाव बनाइए तो पानी का क्वांटिटी देख लीजिएगा। कटोरा से नापिएगा चावल तो कटोरा से नाप कर पानी दीजिएगा, गिलास से तो गिलास से। अब चलिए हम लोग खाने के लिए सर्व करते हैं। तो धनिया का पत्ता अच्छी तरह से मिला देते हैं। जीरा राइस मेरा तैयार हो गया, अब सर्व करते हैं। रोटी भी बनाए हैं सादा रोटी, क्योंकि जब चिकन आप खा रहे हैं तो सादा रोटी साथ में खाने में अच्छा रहता है। चिकन डाल दिए, जीरा राइस डाल दिए, दो रोटी डाल दिए, थोड़ा धनिया की चटनी डाल देते हैं, सलाद डाल देते हैं। पूरा संपूर्ण थाली तैयार। एक बार ट्राई जरूर करिएगा, आधा नींबू भी है, एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट का इंतजार रहता है, कमेंट जरूर करिएगा मेरा चिकन मेरे स्टाइल का कैसा लगा, टमाटर वाली चिकन।